दुनिया में जब मंदी के डर से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां छटनी कर रही है, तो वहीं भारत में आईटी कंपनियां नई हायरिंग के लिए तैयार हो रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में भारतीय आईटी कंपनियां नई हायरिंग शुरू करना चाहेंगी। देखिए रिपोर्ट। ट्विटर, गूगल, अमेज़न हो या मेटा, हर तरफ से छटनी की खबरें आ रही हैं। दुनिया भर में वैश्विक मंदी की आशंका के चलते कंपनियां खुद को रिसेशन प्रूफ बनाने में जुटी हुई हैं, और यही वजह है कि कई कंपनियों ने नई हायरिंग फिलहाल रोक दी है। वैश्विक परिवेश में भले ही काफी ज्यादा उथल पुथल दिख रहा हो, लेकिन भारत में आईटी कंपनियां फिर हायरिंग के लिए तैयार हो रही हैं। स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट फर्म रैंडस्टैंड के सर्वे में ये बात सामने आई है। रैंडस्टैंड ने 600 से ज्यादा टेक कंपनियों का सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक 2023 के पहले क्वार्टर में जहां दुनिया भर में हायरिंग पर रोक जारी रहने की आशंका है, तो वहीं भारत में इस दौरान हायरिंग बढ़ने के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक इस दौरान भारतीय आईटी कंपनियां हायरिंग बढ़ाएंगी। भारत की मजबूत आर्थिक और राजनीतिक फाउंडेशन की वजह से टेक कंपनियां भारत में हायरिंग पर जोर दे रही हैं। रैंडस्टैंड के मुताबिक 10 में से 7 आईटी कंपनियां नए साल में हायरिंग की तैयारी कर रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां पुणे, कोलकाता और अन्य शहरों में अपना ऑफिस स्थापित कर रही हैं। इस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ वित्त वर्ष 2024 का पहला क्वार्टर भी हायरिंग के मामले में बेहतर रहने की उम्मीद है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। बता दें कि कोरोना महामारी के वक्त से ही छटनियों का दौर भी जारी है। स्टाफिंग फर्म टीम लीज की माने तो कोरोना से लेकर अब तक स्टार्टअप वर्ल्ड में ही 23,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। हालांकि रैंडस्टैंड सर्वे की माने तो बेहतर कौशल वाले कर्मचारियों के लिए जॉब की कमी नहीं होगी। तो अगर आप भी जॉब की खोज में जुटे हैं, तो नया साल आपके लिए गुड न्यूज लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।